मित्रों, आदरणीय जगता बाबू ने जो बातें कही हैं उसके बाद मुझे केवल जो महागठबंधन के प्रत्याशी है उनका नाम घोषित करता हूँ। इमामगंज से श्री रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी, बेलागंज से श्री विश्वनाथ कुमार सिंह, रामगढ़ से श्री अजीत कुमार सिंह और तरारी से राजू यादव। राजू यादव जी सी पी आई माले के कैंडिडेट हैं। बाकी जो तीन नाम हैं ऊपर पढ़ा वो सब जनता दल सभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं। बैठक कर रही है सर। अरे भाई, एनडीए को बैठक करने के अलावा और ऑप्शन क्या है? झारखंड चुनाव में झारखंड में नाराजगी देखी जा रही है। तेजस्वी यादव नाराज दिख रहे हैं। महागठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है। महागठबंधन फिर से वहाँ दो तिहाई बहुमत से जीतेगी। उपचुनाव को लेकर के सभी पार्टियां धीरे धीरे से अपने जो है प्रत्याशियों का उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं। वैसे में आज जो है महागठबंधन के तरफ से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, जिसमें से तीन सीट जो है वो राजद को दी गई है और एक जो है वो मालिक। उम्मीदवार कौन कौन है मैं आपको बता देती हूँ। इमामगंज जो कि चार सीटों में से पहला जो है वो इमामगंज है, जिसमें कि रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी को जो है ये सीट दी गई है। सेकेंड नंबर पर आता है बेलागंज, बहुत ही चर्चित सीट थी कि इस जगह से किसको दी जाएगी ये सीट। इसमें से जो है श्री विश्वनाथ कुमार सिंह को ये सीट दी गई है। तीसरे पे है रामगढ़, उसमें से राजद को ही दी गई है श्री अजीत कुमार सिंह। और चौथा जो कि माले को दिया गया है वो है तरारी सीट, उसमें से श्री राजू यादव को दिया गया है। यानी कि चार सीट है, चार सीट में से सर्वसम्मति के साथ जो है तीन सीटें राजद को दी गई है और एक जो है माले को दी गई है। हालांकि यहां पर आज राजद कार्यालय में जो है महागठबंधन के जितने नेतागण थे वो आए हुए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी थे, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी थे। सर्वसम्मति के साथ ये डिसाइड किया गया है कि चार सीटों में तीन सीट राजद और एक सीट माले को दिया जाएगा। धीरे धीरे करके सभी पार्टियाँ जो है प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं। पहले से जन स्वराज ने ऐलान कर दिया है। तरारी सीट से जहाँ तक बात करें तो एस के सिंह जो कि पूर्व अधिकारी रह चुके हैं उनको दिया गया है जन स्वराज की तरफ से। आज जो है राजद ने भी ऐलान कर दिया महागठबंधन की तरफ से। और बात करें तो धीरे धीरे अब जो है सभी पार्टियां ऐलान करेंगी और प्रत्याशियों का नाम जाएंगी। इस बार जो उपचुनाव है वो भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि नई जो पार्टी है जन स्वराज वो भी मैदान पर कूद गई है। पहले से ये पार्टियां तो थी ही, देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव का जो रिजल्ट है और उपचुनाव जो है उसमें जनता किसको स्वीकार करेगी। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। मैं थी आपके साथ प्रीति, आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग। बहुत बहुत धन्यवाद।